का, तो अकॉर्डिंग टू हूँ 5 मोमेंट्स उसने, हु कौन है, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5 मोमेंट्स हैंड वॉशिंग के उन्होंने दिए हैं यूनिवर्सली। तो पहले तो बिफोर पेशेंट केयर, मतलब कब कब हैंड वॉशिंग करना चाहिए बिफोर पेशेंट केयर, मगर अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के सामने, इंजेक्शन दे रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं, उससे पहले आफ्टर कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, और मतलब जैसे समझिए एक ओटी है, ओटी में डॉक्टर ऐसे ही किसी को टच नहीं करेगा, टच भी करेगा तो फिर से अपना हाथ धोगा, धोएगा, मतलब क्यों धोएगा बाद में, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होता है, मतलब वहां के ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अटैक हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। आफ्टर अगर वो टच किया कुछ तो भी, तो उसके बाद उसको हाथ धोना चाहिए। आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लुइड्स, मतलब सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्वेट हो गया, तो उसके बाद भी हैंड वॉशिंग करना चाहिए बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया था आफ्टर पेशेंट केयर। अभी सब प्रोसीजर करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए आपको। इसमें 3 टाइप्स के टैप्स रहते हैं, एल्बो टैप, मतलब एल्बो एल्बो टैप्स रहते हैं, फुट टैप्स रहते हैं, सेंसर टैप्स रहते हैं, 3 टाइप्स रहते हैं। बेसिकली हैंड वॉशिंग टेक्निक्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो दोनों इक्विपमेंट सेम रहते हैं। यहाँ देखिए एंटी माइक्रोबियल सोप, लिक्विड और बार, कौन सा भी ले सकते हैं। क्या क्या लेना चाहिए आपको एक हैंड वॉशिंग टेक्निक करने के लिए, तो एंटी माइक्रोबियल सोप, वार्म रनिंग वाटर, पेपर टॉवल्स या क्लॉथ टॉवल्स, कौन सा भी स्टेरल होना चाहिए, फिंगर नेल ब्रश और नेल क्लीनर। इतना आपको इक्विपमेंट इक्विपमेंट चाहिए, इतना आपको सामान चाहिए एक परफेक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक प्रोसीजर करने के लिए। बिफोर हैंड वॉशिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कट द नेल्स, नेल्स ट्रिम करना चाहिए, नेल पॉलिश, गर्ल्स में नेल पॉलिश नहीं रहना चाहिए, सभी रिंग्स या ऑर्नामेंट्स निकालना चाहिए जो हाथ में है, बैंगल्स थ्रेड सब निकाल देना चाहिए, वॉचेस निकाल देना चाहिए। अभी प्रोसीजर के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन, फिर वॉशिंग, फिर रिंसिंग एंड ड्राइंग। प्रिपरेशन तो हो गया, सभी वॉच निकाल दिए, थ्रेड्स निकाल दिए, रिंग्स निकाल दिए, नेल्स ट्रिम कर लिए, नेल पॉलिश निकाल दिए। अभी वॉशिंग टेक्निक हम नीचे देखेंगे, और रिंसिंग एंड ड्राइंग तो मालूम है, ये पूरा टेक्निक 40 to 60 सेकेंड्स में खत्म होना चाहिए। कौन सा भी हो, प्रोसीजर में पहले हैंड्स को वेट करना चाहिए टैपिड रनिंग वाटर, टैपिड का मतलब हो वार्म रनिंग वाटर, लो उगुर बच्चे बोलते हैं ना, मतलब ऐसा। वार्म रनिंग वाटर में पहले हाथ को गीला करना चाहिए, फिर सोप लगाना चाहिए पूरा हाथ को। तो फर्स्ट में स्टेप 1 में रब हैंड्स पाम टू पाम, ऐसा पाम टू पाम रब करना चाहिए फिर हैंड्स को। फिर स्टेप 2 में रब बैक ऑफ ईच हैंड विथ पाम ऑफ द अदर, ऐसा आपका जो हाथ है वो उसके पिछले हिस्से से और दूसरे हाथ का नीचे हिस्से को रगड़ना चाहिए। तो थर्ड स्टेप है उंगलियों के बीच में साफ करना चाहिए, फिर रब विथ बैक फिंगर्स, जैसे यहाँ पिक्चर देखिए आप लोग, ऐसे स्टेप्स है। इसमें रब ईच ब्रेस्ट विथ अपोजिट हैंड्स, थम्स को क्लीन करना चाहिए, फिर
रब ईच रिस्ट विथ अपोजिट हैंड, रिस्ट को भी साफ करना चाहिए। फिंगर्स इन सर्कुलेशन, अभी फिंगर्स को क्लीन करना चाहिए। तो ये हुए हमारे 7 स्टेप्स वॉशिंग का, इसमें हो गया। फिर उसके बाद रिंसिंग, रिंसिंग हैंड से धोले हुए टर्निंग वाटर के नीचे, फिर अपना हाथ रखें अपने एल्बो से, हाँ पाम से टैप को बंद नहीं करना, एल्बो से टैप ऑफ करना, क्योंकि फिर पाम से टच करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके हाथ में चिपक सकते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन में वो एक जरिया हो सकता है। तो आप लोग कभी भी हैंड वॉशिंग टेक्निक्स कौन सा भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अपने एल्बो से बंद करने की कोशिश करना चाहिए। सिंगल यूज ड्राई थ्रोली विद सिंगल यूज टॉवल, टॉवल को एक ही बार में सिंगल यूज करना चाहिए। बार बार ऐसा हम लोग जैसे खाना के बाद हाथ धोते हैं, उसके बाद कहीं भी ऐसा साफ करते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉवल को एक ही बार में वॉश करके उसे दूर रखना चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आपके पाम में ना आए। तो इतना हो गया मेडिकल हैंड वॉशिंग। अभी सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, सर्जिकल हैंड वॉशिंग रिक्वायर्स द रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ट्रांसिएंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड सब्सटेंशियल रिडक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द रेसिडेंट फ्लोरा ऑफ सर्जिकल टीम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन केस अ सर्जिकल ग्लोव इज पंक्चर्ड और टोर्न, इंश्योर दैट मैग्नेट सर्किट शॉर्ट एंड क्लीन। वही है, बस इसका डिफिनेशन अलग है, लिखने का तरीका अलग है। यही इसमें भी रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी रिमूव करते हैं। सब्सटेंशियल रिडक्शन क्रॉस इन्फेक्शन कम करता है। सर्जिकल टीम को भी कंटेमिनेशन से दूर रखने के लिए हमें हाथ धोना चाहिए सर्जरी करने से पहले, फिर ऑपरेशन इन केस। एक एक ग्लव्स डिफेक्ट से ही टॉर्न रहते हैं, ज्यादा तो डॉक्टर से ऐसे ही पहन लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो टीम में काम करते हैं उनको पता होगा, ऐसे ही पहन लेते हैं, जिसे कंटेमिनेशन का चांसेस बढ़ जाते हैं और सेप्सिस में वो एक जरिया हो सकता है सेप्सिस का। तो फुल चेक करके, हैंड ग्लव्स चेक करके पहनना चाहिए और फिंगर नेल्स को ट्रिम करके रहना चाहिए। सो यहाँ पिक्चर है, आप लोग देखिए, टैप रनिंग वाटर है यहाँ, फिर सोप को लेकर रिस्ट सब साफ करना चाहिए, फिर ल्यूकवार्म वाटर होता है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, बीच का। ये सब स्टेप्स आप लोग देख लीजिए, रिस्ट तक पूरा आपको साफ करना चाहिए, फिर यहीं से ही ऊपर रखना चाहिए आपको, नीचे रख के तरफ नहीं, आपको दोनों हाथ ऊपर की तरफ रख के एक ही बार में क्लॉथ से साफ करके बाजू रख देना, ज्यादा उसको टच नहीं करना, फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आपको लगेंगे, फिर पेशेंट को स्प्रेड होंगे, समझ सकते हैं। तो इतना ही था, थैंक यू। आज का क्लास तो इतना ही था, तो इस सीरीज में आपको सपोर्ट करिए और मैंने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो वहाँ भी सेम है हैंडल मेडिकल कॉम्रेड्स, तो वहाँ भी आप लोग सर्च करके मुझे फॉलो के लिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स हैंड टू हैंड सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी एक अभी एस्पिरेंट हूँ जो लॉर्सेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग इस जर्नी में थोड़ा आपको भी पढ़ाऊंगा, तो मैं भी रिकॉल होगा, मुझे भी रिकॉल होगा, तो ऐसे कर रहा हूँ।
ज्यादा नहीं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, पीस आउट.